इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको वोकेबलरी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पार्ट 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। हाउ टू बूस्ट वोकेबलरी, अल्फाज किस तरह से बढ़ाते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज का मजमुआ। प्रीफिक्स है पोस्ट यानी आफ्टर, पोस्ट मीन्स बाद में। पोस्टमार्टम यानी मौत के बाद में, मॉर्टम यानी मौत और पोस्ट यानी बाद में। अगर मौत के बाद में मौत की वजह मालूम करने के लिए उस कॉप्स की यानी जो डेड बॉडी है उसकी सर्जरी की जाए तो उसको पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी कहते हैं। पोस्ट डेट, पोस्ट डेट का मतलब है कि किसी गिवन डेट या किसी फिक्स डेट के बाद कोई डेट दी जाए तो पोस्ट डेट कहलाती है, यानी बाद वाली तारीख। उसके बाद पोस्ट इलेक्शन यानी इलेक्शन के बाद में, अगर इलेक्शन के बाद में कोई अनाउंसमेंट होती है या सपोज़ करें कोई प्रोसेशन होता है, कोई रैली होती है, तो वो पोस्ट इलेक्शन रैली या प्रोसेशन या अनाउंसमेंट कहलाता है। तो इस तरह से पोस्ट वॉर एरा यानी जंग के बाद वाला दौर, जंग के बाद वाला वक्त। पोस्ट ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट होने के बाद, ग्रेजुएट हम बीए लेवल को कहते हैं। तो इस तरह से जो मास्टर्स लेवल है यानी बीए के बाद वाला, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट कहलाता है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसके बाद है ये जो पोस्ट ह्यूमस की तरह है लेकिन इसका तलफ़ुज़ होगा पोस्टमस, यानी जैसे सी एच का जो तलफ़ुज़ है वो च है, तो पोस्टमस। पोस्टमस सपोज़ आफ्टर द डेथ ऑफ समबडी, जैसे सपोज़ अगर कोई बच्चा है उसके मतलब वालिद की डेथ के बाद में वो बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं दैट इज़ द पोस्टमस चाइल्ड। इसी तरह से अगर कोई बुक है जो कि उसके राइटर की मौत के बाद पब्लिश होती है तो उसको हम पोस्टमस बुक कहते हैं, दैट इज़ द पोस्टमस बुक। यूनि मीन्स वन, यूनिसाइकिल दैट मीन्स अ साइकिल हैविंग वन टायर वन व्हील, दैट इज़ यूनिसाइकिल, जिसका एक टायर होता है। यूनिफिकेशन दैट मीन्स दैट इज यूनाइटेड, व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स आर यूनाइटेड इनटू वन दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी उनका इतिहाद और वो यूनिफिकेशन कहलाता है, यूनिटी कहलाता है। यूनिफॉर्म यानी एक ही किस्म का लिबास, जैसे कोई स्टूडेंट्स एक ही किस्म का, स्टूडेंट्स वेयर सेम यूनिफॉर्म, देयर मीन्स सिमिलर क्लॉज। ओके, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मीन्स वन साइडेड, अगर कोई एक ही पार्टी किसी इशू के बारे में बात करती है, एक ही मुल्क करता है, तो देयर इज यूनिलैटरल टॉक। अगर वो दोनों तरफ से हो तो बायलैटरल हो जाता है, यानी दो तरफा। बाय यानी टू, दो। बाइसिकल दैट मीन्स द बाइसिकल देर हैज़ टू व्हील्स, देर इज़ कॉल्ड बाइसिकल्स, वो जो हम कहते हैं कि बाइक जिसके दो व्हील होते हैं, दो टायर होते हैं, वो बाइसिकल है। बायलैटरल यानी ऑफ टू साइड्स, व्हेन टू कंट्रीज टॉक ऑन एन इशू सो दैट इज़ बायलैटरल टॉक, टॉक फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, बायगैमी दैट मीन्स टू मैरिजेस, बायगैमी टू मैरिजेस। बाय वीकली सम मैगजीन और न्यूज़पेपर इफ इट अपीयर्स और इज पब्लिश्ड टू टाइम्स अ वीक दैट मीन्स दैट इज बाय वीकली, जो हफ्ते में दो मरतबा छापा जाता हो। बाय एनुअल और बाय एनुअल, इसका मतलब है कि एक साल में जो दो मरतबा होता हो, बाय एनुअल और बाय एनुअल एग्जामिनेशन, यानी ऐसा इम्तहान जो साल में दो मरतबा होता हो। बायसेक्ट यानी बाय आर डाय मीन्स टू, बायसेक्ट आर डायसेक्ट यानी व्हेन समथिंग और सम थिंग इज कट इनटू टू पार्ट्स टू पीसेस दैट इज कॉल्ड बायसेक्ट। यहाँ पे बाय है लेकिन इसको इसका तलफ़ुज होगा बिनोक्यूलर, बिनोक्यूलर का मतलब होता है दैट कुड बी सीन बाय बोथ द आईज, by using both the eyes. Suppose if there is a telescope, we see through it by using both the eyes, that is binocular.
इसी तरह से सपोज इफ देयर इज अ डैशबोर्ड एंड यू कैन सी यू दैट डैशबोर्ड विद बोथ द आईज, यू कैन एग्जामिन इट विद द बोथ विद बोथ द आईज, दैट इज कॉल्ड बिनोक्यूलर. एंटी मीन्स अगेंस्ट और अपोजिट टू, खिलाफ. एंटीबायोटिक दैट इज अगेंस्ट बायोटिक्स, यानी ऐसा जो बायोटिक्स के खिलाफ है. बायो मतलब जो किसी चीज़ के खिलाफ है और किसी जीव के. उसके बाद एंटी टैंक वेपन्स, दैट मीन्स ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार जो कि टैंक के खिलाफ यूज़ किए जाएं, तो वो एंटी टैंक वेपन्स हैं. एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स आर बैथोस. इसका मतलब होता है कि व्हेन वी टॉक ऑफ टॉक फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू द मोस्ट ट्रिवियल थिंग, द स्मॉलेस्ट थिंग. इसका मतलब है कि हम बहुत ही कीमती चीज़ से फिर बहुत ही कम कीमत वाली या बिल्कुल अदना दर्जे की चीज़ की बात करें तो ये एंटी क्लाइमैक्स कहलाता है. यानी फ्रॉम हायर टू लोअर, अगर लोअर टू हायर जाएं तो ये क्लाइमैक्स हो जाता है. एंटीसेप्टिक, वो जो सेप्सिस के खिलाफ है, कोई ऐसा एंटीसेप्टिक मेडिसिन हो तो वो सेप्सिस के खिलाफ है, वो एंटीसेप्टिक है. और एंटी सोशल, यानी वो जो सोसाइटी के खिलाफ हो, लोगों के खिलाफ हो, दैट इज एंटी सोशल. एंटी नेशनल, यानी वो जो कौम के खिलाफ हो, तो इस तरह से कौम मतलब वो एंटी नेशनल होता है, यानी जो कौमी बातों के खिलाफ है. उसके बाद एंटी गवर्नमेंट, यानी जो हुकूमत के खिलाफ हो, तो एंटी गवर्नमेंट हो गया. एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट भी गवर्नमेंट को ही कहते हैं, स्टेट को कहते हैं. तो इस तरह से जो रियासत के या खिलाफ हो गवर्नमेंट के, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट. एंटी, ये ए एन टी ई है, ऊपर जो हमने पढ़ा वो ए एन टी आई है. इस एंटी का मतलब है बिफोर, यानी पहले. एंटी डेट मीन्स बिफोर डेट. इफ देयर इज सम डेट गिवन आर फिक्स्ड, देन समथिंग हैपन्स बिफोर दैट डेट, दैट्स एंटी डेट. आर एंटी डेट सपोज अरेंजमेंट एटसेट्रा, आर एंटी डेट डेट अपियरेंस ऑफ समथिंग. एंटी पोस्ट, बिफोर द पोस्ट, दैट मीन्स इफ देयर इज सम प्लेस, देन समथिंग कम्स बिफोर दैट प्लेस, दैट इज एंटी पोस्ट. एंटी पोर्च, दैट मीन्स इफ देयर इज सम प्लेस बिफोर द पोर्ट, यानी कोई बंदरगाह है, उससे पहले कोई जगह आती है तो वो एंटी पोर्ट है. एंटी पोस्ट, यानी कोई बरामदा वगैरह है तो उससे पहले कोई चीज़ होती है, आती है, तो हम कहते हैं दैट इज एंटी पोर्च, बिफोर पोर्च. इसी तरह से एंटी रूम मीन्स बिफोर द रूम. कोई कमरा आता है, उससे पहले हम कहेंगे देयर इज समथिंग, सम स्मॉलर रूम, आर सपोज सम रिसेप्शन रूम, दैट इज एंटी रूम. एंटी बैलम, दैट मीन्स बिफोर वॉर, जो जंग से पहले कोई चीज़ आती हो तो वो एंटी बैलम कहलाती है. उसके बाद है ए बी एन ए बी एस. इसका मतलब होता है प्रीफिक्सेस का इनका, के फ्रॉम एंड अवे, यानी दूर या उनसे दूर. अब्यूज़ मीन्स दैट इज़ अवे फ्रॉम द प्रॉपर यूज़, दैट इज़ अब्यूज़, यानी ख़राब इस्तेमाल और नेगेटिव इस्तेमाल. इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि किसी बहुत सारे बड़े मतलब किसी बड़ी किताब से कोई एब्स्ट्रैक्ट लिया जाए, या सपोज एक बड़ा पैसेज है जिसमें से थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लिया जाए, एक ऐसे है जिससे एब्स्ट्रैक्ट लिया जाए, तो इसका मतलब है देयर इज एब्स्ट्रैक्टेड, दैट इज टेकन आउट फ्रॉम दैट, टेकन अवे फ्रॉम दैट, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जो पैसेज उठाया हुआ हो, कहीं से लिया गया हो. एबसेंट, यानी अवे फ्रॉम. सो वेन समबडी इज़ अवे फ्रॉम द प्लेस, देयर इज एबसेंट, वो गैर मौजूद है. एबनेगेट का मतलब होता है टू बी अवे फ्रॉम समथिंग, सपोज टू डिनाई समथिंग, किसी चीज़ से डिनंसिएट करना, डिनाई करना, यानी उसे दूर रहना, वो एबनेगेट होता है. उसके बाद है आज. आज मीन्स चीफ, यानी अहम, बड़ा. आज एनिमी, यानी अहम दुश्मन, बड़ा दुश्मन. सैटन इज़ द आर्च एनिमी ऑफ ह्यूमन बींग्स. आर्च अपोनेंट, यानी बड़ा मुखालिफ. एन आर्च राइवल, यानी ऐसा रकीब जो बड़ा रकीब हो, जो मुकाबिल हो, जो कि वो बड़ा हो, तो इस तरह से आर्च राइवल.
ऐसी कंपनीज हैं जो राइवल हैं आपस में, यानी रकीब हैं, मुकाबला कर रही हैं, तो एक मतलब कहें कि ये आर्च राइवल्स हैं, ये बड़ी मुकाबला करने वाली ये कंपनीज हैं। तो इसी तरह से अगर किसी का कोई बड़ा मुकाबल हो तो वो आर्च राइवल है। आर्च बिशप यानी बड़ा पादरी, उसके बाद है आर्च एंजल यानी बड़ा फरिश्ता, आटो यानी सेल्फ यानी खुद, जो खुद कार हो या खुद से चलता हो, खुद से फंक्शन करता हो, ऑटो स्टार्ट दैट मीन्स सेल्फ स्टार्ट, जो खुद से स्टार्ट होता है, एंड ऑटोमेटिक यानी जो खुद कार हो, जो खुद मतलब चलता हो, तो ऑटोमेटिक होता है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है वही जो खुद चलती हो, गाड़ी वगैरह, तो ऑटोमोबाइल है। और उसके बाद ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद ही की कहानी, जो खुद बंदे ने किसी ने लिखी हो तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। इसी तरह से हम कहते हैं कि बायोग्राफी है जो कि किसी की कहानी कोई और लिखता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी यानी सेल्फ स्टोरी, इज सम स्टोरी इज रिटन बाय समबडी। ओके, सपोज द स्टोरी ऑफ सेल्फ व्हेन इट इज़ रिटन बाय the person himself or herself, that is autobiography. Autocrat यानी वो सेल्फ रूलर, जो खुद को रूलर बना दे, हुक्मरान बना दे, that is autocrat. Autograph यानी वो जो खुद का तारफ लिखे या खुद का सिग्नेचर करे तो वो autograph होता है और खुद ही लिखे। तो उसके बाद automaton, automaton का मतलब ये रोबोट जो कि खुद चलता है, वो भी एक ऑटोमेटिक टाइप है, तो इस तरह से वो ऑटोमेटन यानी किसी रोबोट वगैरह को कहते हैं। एंड ऑटो सजेशन, इसका मतलब है जो खुद से सजेशन दे, खुद से हमें मशवरा दे, जैसे हम कहें कि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ प्रोग्रामिंग है जिसमें हमें ऑटो सजेशन मिलती है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसके बाद बैनी का मतलब है वेल यानी अच्छा। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन का मतलब होता है जब कोई इन्वोकेशन होती है गॉड को, अल्लाह को कोई पुकारता है यानी ब्लेसिंग के लिए, तो बेनिडिक्शन है और यानी ब्लेसिंग। और उसके बाद बेनिफिट यानी फ़ायदा, वो भी ब्लेसिंग है, फ़ायदा, बेनिफिट, फ़ायदा, तो वेल बीइंग ऑफ समबडी, ओके, देयर इज़ बेनिफिट। बेनेवोलेंट का मतलब मेहरबान है, काइंड है, तो इस तरह से ये भी मेहरबान हो गया, वेल अच्छा हो गया। उसके बाद बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर भी वही है जो अच्छाई के लिए कुछ करता है, सपोज़ समबडी गिव्स डोनेशन टू सम सपोज़ प्लेस और ट्रस्ट एट्सेट्रा, सपोज़ सम चैरिटी, सो देयर इज़ बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर भी वो ऐसा जो कि वो ब्लेसिंग मतलब कोई डोनेट करता हो, अच्छाई करता हो फॉर वेल बींग, तो बेनिफैक्टर कहलाता है, अच्छाई करने वाला। को मीन्स टुगेदर विथ, यानी को का मतलब है कि एक साथ, कोऑपरेट यानी तावन करना, एक साथ काम करना, एंड कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से है, जब कोई असिस्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोऑर्डिनेशन होती है, तो कोऑर्डिनेट करने का मतलब भी मदद करना है, असिस्ट करना है एक दूसरे की और तावन करना है। को एग्जिस्ट का मतलब है कि एक ही वक्त और जगह पर मौजूद होना, को एग्जिस्ट करना, तो ये टुगेदर विद एट द सेम प्लेस और टाइम, ओके। उसके बाद है को प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है एक ही जगह पे वो अगर पैदा हुई हों चीज़ें टुगेदर विद, तो वो को प्रोड्यूस्ड हैं। इस तरह से को पायलट का मतलब होता है कि टू पायलट टुगेदर विद, यानी एक साथ कोई पायलटिंग कर रहे हों दो, तो इस तरह से को पायलटिंग कर रहे हैं यानी एक साथ। को करिकुलर का मतलब होता है कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ कोई और रिलेटेड एक्टिविटी हो, सपोज़ एकेडेमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ साथ कोई और एक्टिविटी लाइक स्काउटिंग एट्सेट्रा है, तो वो उसको उनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, यानी वो साथ जो और एक्टिविटीज़ हैं। आई थिंक दिस वर्ड्स आर यूजफुल टू यू, यू हैव अंडरस्टूड दिस। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you for watching. See you in the next video. Allah.